क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास एक फंक्शन गिवन है fx is equal to log of sin x। ये हमें प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ऑन द इंटरवल 0 टू पाई बाय 2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल पाई बाय 2 टू पाई। तो यहां से एक में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और एक में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव कर रहे हैं। तो क्या करते हैं एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स लॉग के लिए 1 डिवाइड बाय साइन एक्स और साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स। तो एफ डैश एक्स ये हो गया कोट एक्स। अब आप देखेंगे कि 0 से लेके पाई बाय 2 इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोट एक्स कैसा होता है पॉजिटिव। कोट एक्स सारे ही पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब क्या हुआ एफ डैश एक्स कैसा आ गया पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 0 टू पाई बाय 2। अब सेकंड देखते हैं और दूसरा इंटरवल था पाई बाय 2 से लेके पाई तक। एफ डैश एक्स है हमारा कोटेक्स। अब कोटेक्स इंटरवल जो क्वाड्रेंट है वो है सेकंड क्वाड्रेंट। इन सेकंड क्वाड्रेंट कोटेक्स इज नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कोटेक्स नेगेटिव होता है तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो गया। इसका मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल पाई बाय 2 टू पाई। तो ये था हमारा 16 क्वेश्चन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। 17 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है हमारे पास। fx log of cos x आपकी बार फर्स्ट में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव कर रहे हैं और सेकंड में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स 1 डिवाइड बाय cos x और cos x का माइनस साइन एक्स। तो एफ डैश एक्स ये हो गया हमारे पास माइनस टेंजेंट एक्स। अब 0 से लेके पाई बाय 2 तक, 0 से लेके पाई बाय 2 तक टेंजेंट एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट है। टेंजेंट एक्स तो पॉजिटिव होगा। टेंजेंट एक्स पॉजिटिव हो गया लेकिन उसके आगे क्या लगा हुआ माइनस। तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव। इट मींस एफ डैश एक्स क्या हो गया नेगेटिव। नेगेटिव हो गया लेस देन 0। दिस इंप्लाइज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 0 टू पाई बाय 2। अब पाई बाय 2 से लेके पाई तक देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट एक्स कैसा होता है नेगेटिव और उसके आगे माइनस लगा हुआ है। तो टोटल एफ डैश एक्स क्या हो गया पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल पाई बाय 2 से लेके पाई तक। तो ये था हमारा 17 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² + 3x - 100 इज इंक्रीजिंग ऑन आर। पूरी की पूरी रियल लाइन पे इंक्रीजिंग है। तो देखते हैं अभी एफ एक्स हमारे पास x³ - 3x² + 3x - 100। एफ डैश एक्स निकाला। एफ डैश एक्स आ गया हमारे पास 3x² - 6x + 3। 3 आगे स्केयर आ गया 2 आगे आ गया 6 हो गया पावर 1 रहेगी 3x का 3 हो गया 100 का 0 हो गया। तो एफ डैश एक्स कॉमन आ रहा है इसमें से हमारे पास 3 ये आ गया x² - 2x + 1। अब इसके फैक्टर बनाए अगर हम तो एफ डैश एक्स वैसे भी अगर आप ध्यान से देखो तो ये x - 1 का स्केयर है। a² + b² - 2ab तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आप इसको ध्यान से देखें कि एफ डैश एक्स ये बना लेकिन ये तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर। कोई भी रियल वैल्यू हो एक्स की वो इसके अंदर अगर हम पुट करेंगे तो या तो वो 0 होगा या फिर वो 0 से ग्रेटर होगा। तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया इंक्रीज। सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर। तो ये पूरी की पूरी रियल लाइन पे इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास द इंटरवल इन विच वाई दिया हुआ है x² - x इज इंक्रीजिंग। तो ऑप्शनल क्वेश्चन है एक चार ऑप्शन दिए हुए हैं
और पूछा गया है कि वाई एफ एक्स मान लेते हैं एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है, तो एफ डैश एक्स निकालो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा एक्स स्क्वायर एज इट इज ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स का यही आएगा साथ में माइनस आ जाएगा अगली बार ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स तो एफ डैश एक्स इसको प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख देते हैं या फिर पहले ऐसे रहने दो इसमें से ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स कॉमन आ गया माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस के टू एक्स या फिर एफ डैश एक्स यहां से ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अगर आप चाहो तो एक्स भी कॉमन ले सकते हो ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स एक्स और ये टू माइनस एक्स अब क्या करते हैं एफ डैश एक्स को जीरो के साथ इक्वेट कर देते हैं तो ताकि हमें इंटरवल का पता चल सके तो ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स एक्स टू माइनस एक्स इसको जीरो के साथ इक्वेट किया ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स कभी भी जीरो नहीं होता इसको छोड़ दिया या तो फिर हमारे पास एक्स जीरो है टू माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टू तो एक्स इज इक्वल टू टू एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास जीरो और टू तो हम क्या करते हैं रियल लाइफ में इसको ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इंटरवल कौन कौन से हुए अब हमारे पास है एक तो है जीरो और एक है टू हमारे पास इंटरवल बन रहे हैं माइनस इंफिनिटी से लेके जीरो एक बन रहा है जीरो से लेके टू और एक बन रहा है टू से लेके इंफिनिटी तो ये हमारे पास तीन इंटरवल बन रहे हैं अब हमारे पास माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी इंटरवल नहीं है नहीं और माइनस टू से जीरो ऐसा भी कोई इंटरवल नहीं है टू से इंफिनिटी इंटरवल है हमारे पास और जीरो से टू इंटरवल है हमारे पास तो इन दोनों में चेक करना रह गया हमारे पास इन पर तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे इंटरवल ये बनने गए चाहे इंक्रीजिंग आए चाहे डिक्रीजिंग आए इन इंटरवल्स पे आएगा तो हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है तो ये तो हमारे दोनों क्रॉस होंगे अब हम इनमें से कौन सा भी एक ले लेते हैं चलो हम सी ले लेते हैं पहले टू से लेके इंफिनिटी मीन एक्स इज ग्रेटर देन टू टू से इंफिनिटी ग्रेटर देन टू के लिए हम एक्स की वैल्यू थ्री के लिए चेक करते हैं एफ डैश एक्स को एफ डैश एक्स ये रहा हमारा एफ डैश एक्स एक्स की वैल्यू थ्री के लिए ई रेज़ टू पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है चाहे एक्स की जो मर्जी वैल्यू हो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो जीरो हो तब भी पॉजिटिव रहेगा एक्स हमने थ्री माना है तो ये भी पॉजिटिव होगा और ये टू माइनस थ्री मीन्स माइनस वन तो यानी कि नेगेटिव हो गया तो ये टोटल वैल्यू नेगेटिव आई लेस देन जीरो तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल टू टू इन्फिनिटी तो इसमें तो डिक्रीजिंग हो गया और यहां पर उसने पूछा क्या है इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग के लिए हम क्या करते हैं जो डी ऑप्शन है हमारा वैसे तो आंसर हो ही गया फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं जीरो इज लेस देन एक्स इज लेस देन टू इसके बीच में एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालते हैं एक्स की वैल्यू हमने क्या मान लिया अपने दिमाग में वन सोच ली तो ई रेज़ टू पावर एक्स ये तो पॉजिटिव होता ही है एक्स की वैल्यू वन ये भी पॉजिटिव टू माइनस वन ये भी पॉजिटिव तो ये टोटल पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन जीरो तो एफ डैश एक्स कैसा हो गया एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो हो गया तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर हम इंक्रीजिंग भी कह देंगे इसको यहाँ इंक्रीजिंग लिखा हुआ है तो जस्ट हम इसको लिख देंगे कि एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल जीरो टू टू यस डी ऑप्शन आ जाएगा तो फ्रेंड्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.2 जो कि रिलेटेड थी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से तो इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है हमने क्या किया है कि अपना जो बिल्कुल पार्ट वन वीडियो है उसमें बेसिक करवाया गया था कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करना है तो बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर आपको करना है फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं तो इस तरह से हमारी टू एक्सरसाइज हो जाती है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे और सेकेंड एक्सरसाइज में हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से रिलेटेड इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं थैंक यू वेरी मच